नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ अंजलि। राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होनी तय है, जिसको लेकर निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में राम मंदिर से जुड़े पुजारियों की एक लिस्ट सामने आई है। आपको बता दें, गाजियाबाद के छात्र मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर के पुजारी के रूप में चुना गया है। मोहित दुधेश्वर वेद विद्यापीठ में 7 साल के अध्ययन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए थे। वो 3000 लोगों के साक्षात्कार के बाद इस पद के लिए चुने गए 50 लोगों में शामिल हैं। बता दें, नियुक्ति से पहले उन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मोहित पांडे ट्रेनिंग के लिए चयनित पुजारियों की योग्यता में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसे दुनिया का हेड बना दिया गया है। 6 महीनों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रशिक्षित पुजारियों में से राम मंदिर के लिए जितने पुजारियों की जरूरत होगी उनका सिलेक्शन नियमानुसार किया जाएगा और अभी किसी का भी चयन राम मंदिर के पुजारी के लिए नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक मोहित पांडे ने सबसे पहले सामवेद का अध्ययन किया, जिसके बाद वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय जाकर पढ़ाई की। वहीं मोहित पांडे आचार्य की डिग्री लेने के बाद पीएचडी की भी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।